नाउ दिस इज पेज नंबर वन। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं अपन काइनामेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनामेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। काइनामेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। काइनामेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन, सो दिस इज द हेडिंग ऑफ द टॉपिक, काइनामेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनामेटिक्स इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हमने, है ना, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे। तो यहां पर दो केस हैं। नाउ फर्स्ट केस इज इफ एंगुलर एसिलरेशन अल्फा इज कॉन्स्टेंट। देखो, ये जो एंगुलर एसिलरेशन ले रहा हूं मैं यहां पे, इट इज इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और अल्फा डैश एक और पढ़ाया था मैंने, दैट इज राउंड पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो एक को मैंने लिखा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और एक कौन सा है आपका, राउंड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो काइनामेटिक्स इक्वेशन है यहां पर, चलो मैं यहां से आपको रिकॉल करवाता हूं। जैसे आपने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में v इक्वल्स टू u प्लस at पढ़ा था, तो सर्कुलर मोशन में ये बन जाएगा आपका ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और एक और इक्वेशन बन जाएगी, ओमेगा की जगह पे आप फ्रीक्वेंसी के टर्म पे लिख सकते हो एफ नॉट प्लस अल्फा डैश इंटू टी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये राउंड पर सेकेंड वाली है, और ये किस, ये एंगुलर वेलोसिटी आप बोलोगे इट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड। तो जब राउंड पर सेकेंड वाले आपको कैलकुलेशन करना, तो ये एसिलरेशन यूज करना है, और जब रेडियन पर सेकेंड में आपको कैलकुलेशन करना, तो ये एसिलरेशन आपको यूज करना है। तो सर्कुलर मोशन में दोनों एसिलरेशन हमने देखा था, और दोनों आपस में रिलेट होती है, ये दोनों एसिलरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है ये, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ अल्फा डैश, ये इस तरह से रिलेटेड वेक्टर है, दिस अल्फा एंड दिस अल्फा डैश, है ना। जैसे ओमेगा और आपका एफ रिलेटेड होते 2 पाई एफ, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, तो वैसे ही ये भी आपस में रिलेट होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए कि नहीं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है काइनामेटिक्स की। अब सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे, जैसे ये फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल फ्रीक्वेंसी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी, एंड जो दूसरी इक्वेशन थी आपकी, दिस इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर एक और इक्वेशन बन जाएगी इसके लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये बनेगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। और यहाँ पे बनेगी ये नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू एफ नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा डैश टी स्क्वायर। और जो तीसरी इक्वेशन थी, दिस इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, तो यहाँ पे आएगा ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डैश इंटू एन। अब ये एन क्या है, यहाँ पे बता सकते हो कोई, क्या याद है किसी को, एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
और नंबर ऑफ राउंड एक दूसरे से रिलेट होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ राउंड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना। तो व्हाट इज ओमेगा हियर, ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एफ इज फाइनल फ्रीक्वेंसी एंड एफ नॉट इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी, दिस इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी है ये रेडियन पर सेकंड में है और ये किसमें मेजर होंगी आपकी, राउंड पर सेकंड में आपकी ये मेजर होंगी, ठीक है। वैसे रेडियन पर सेकंड लिख दो, रेडियन पर मिनट लिख दो, दोनों में मेजर हो जाएंगी, बट मैंने एक लिखा कि ओमेगा और एफ को कैसे यूज करना आपको यूनिट वाइज, ठीक है। एंड एक और पार्ट है यहाँ पे आपका, दैट इज एक पार्ट ये है कि डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन टू पाई, रिमेंबर दिस रिजल्ट, नंबर ऑफ राउंड डेल्टा थीटा अपॉन टू पाई। एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बताओ जरा, एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 360 डिग्री है ना, 2 पाई रेडियन होता है ना, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, समझ गए, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन ना, समझ गए कि नहीं, यस सर। दो राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता फिर, 4 पाई, 3 राउंड में कितना हो गया, 6 पाई। तो अगर आपको नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है, समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, यस सर। स्क्रीनशॉट लो बेटा अभी इसको, डन सर, डन, यस सर। अगले पेज पे जाते हैं अपन अब, तो ये बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत आसान है ये, ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है तो लिंक जल्दी बैठ जाती है, एक प्रकार से सर्कुलर मोशन में रिवीजन हो रहा है क्योंकि हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़े ना, इनके कैलकुलेशन इक्वेशंस, v equals to u plus at को कैसे यूज करना है, s equals to ut plus half at square को कैसे यूज करना, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिंक हमको बैठ जाती है, तो बहुत आसान पड़ता है ये टॉपिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे, स्क्रीनशॉट हो गया इसका, स्क्रीनशॉट हो गया, यस सर। Now this is page number 2, अब मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, दिस इज पेज नंबर 2, मान लो यहां पर ये सर्कुलर पाथ में ये मोशन हो रहा है, ठीक है, दिस इज द कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इनिशियली यहां पर ये पार्टिकल है t equals to 0 पे, नाउ एट t equals to 0 पे कहां पर है, p पोजीशन पर है, और एनी टाइम t पर ये यहां पर आया है, ठीक है, नाउ एट टाइम t पर ये पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है, q पोजीशन पे है, तो इतना घूम के आ गया, ठीक है।
तो पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज द सेंटर, पार्टिकल की लिए जो एंगुलर एसिलरेशन है इट इज अल्फा, और ये कांस्टेंट है, एंगुलर एसिलरेशन ये कांस्टेंट है। लेकिन जब ये पार्टिकल यहां पर है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इट इज ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जब ये यहां पे आएगा तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी पर, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है यहां पर भी। एंड वन मोर थिंग सर, हाँ बोलो सर, डायग्राम और एक बार समझ दो ना सर, मेरा नेटवर्क चला गया था सर। हाँ ठीक है, कोई पार्टिकल मान ले सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, सर्कल बना दिया मैंने एक, सर्कल बना दिया एक, हाँ पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक सर्कल मैंने लिया और t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मान ले यहाँ पे, एनी टाइम t पे यहाँ पे, ठीक है, जीरो पे यहाँ पे, एनी टाइम t पे यहाँ पे, और इसका जो एंगुलर एसिलरेशन है वो अल्फा है। और जब ये पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे बेटा, तो ये इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और एनी टाइम t पे ये क्या है, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? यस यस सर। ओके, अब देख यहाँ पे इसकी जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज आर, देखो यहाँ पे पार्टिकल की टेंजेंशियल स्पीड आएगी, टेंजेंशियल स्पीड कैसी रहेगी पार्टिकल की, टेंजेंशियल स्पीड आएगी ना, सो दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड, ये कब है ये टेंजेंशियल स्पीड, t इक्वल टू जीरो पे, और यहीं पे इसमें टेंजेंशियल एसिलरेशन भी आएगा, दिस इज द टेंजेंशियल एसिलरेशन, और सेंट्रीपिटल एसिलरेशन इधर पे रहेगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही यहां पर ये फाइनल टेंजेंशियल स्पीड है, दिस इज फाइनल टेंजेंशियल स्पीड एनी टाइम टी पे, और इसका टेंजेंशियल एसिलरेशन यहां पे इधर आएगा, और जो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। और हम बात कर लें अब इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां से लेकर यहां तक ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, और P से लेके Q तक चलने का जो डिस्टेंस है दिस इज द आर्क, और ये जो आर्क है इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, दिस आर्क इज पी क्यू एंड दिस आर्क इज इक्वल टू डी डिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ है ना? तो ये है यहां पर, ये इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड है, और ये कौन सी टेंजेंशियल स्पीड है यहां पर, दिस इज फाइनल टेंजेंशियल स्पीड, ये फाइनल टेंजेंशियल स्पीड है, और ये कौन सी है, इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड, ये आर्क लेंथ मतलब ये डिस्टेंस हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई इनिशियल, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे टी इनिशियल, ऐसे ये जो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन लिख रहे हो आप, दिस इज इनिशियल सेंट्रीपिटल एसिलरेशन एंड दिस इज इनिशियल टेंजेंशियल एसिलरेशन एंड दिस इज फाइनल टेंजेंशियल एसिलरेशन। तो समझ गया पूरा? अब यहां पे अगर हम देखें तो t इक्वल्स टू जीरो पे, नाउ एट t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे मतलब, या फिर एट t पर, हाँ एट p पोजीशन पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इट इज ओमेगा नॉट इनटू r आएगा, फिर सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, इनिशियल सेंट्रीपिटल एसिलरेशन कितना आएगा, इनिशियल सेंट्रीपिटल एसिलरेशन इज आइदर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर या इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कर दोगे, एंड फाइनल सॉरी इनिशियल टेंजेंशियल एसिलरेशन कितना रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा आर, बट ये जो अल्फा है ना ये तो कांस्टेंट है ही आपका, एंड नाउ एट टाइम टी इक्वल्स टू, एट टाइम T पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब कौन सी पोजीशन पे, Q पोजीशन पे, तो Q पोजीशन पे यहां पर देखोगे फाइनल टेंजेंशियल स्पीड इज ओमेगा इनटू R,
फाइनल सेंट्रीपीटर एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर या फाइनल टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और यहां पर जो सेंट्रीपीटर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दिस इज फाइनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज अल्फा आर। लेकिन अल्फा कैसा लियो आपने, कांस्टेंट यहां पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा आपको, ये कांस्टेंट रहेगा। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? तो t इक्वल्स टू जीरो पे ये कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, और एनी टाइम t पे ये कैलकुलेशन आपको इस तरह से करने हैं, टेंजेंशियल वाले जो एंड सेंट्रीपीटल के। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, किस टाइप का सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एंगुलर स्पीड एंड टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है, एंगुलर स्पीड एंड टेंजेंशियल स्पीड यहाँ चेंज हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। नहीं, सेंट्रीपिटल का सोचो, इक्वेशन देखो सेंट्रीपिटल के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? वेरिएबल रहेगा। ये बदलेगा ना बेटा, ओमेगा बदलेगा तो सेंट्रीपिटल भी तो बदलेगा ना, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन तो वैसे ही बदलता है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? हेलो, क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया कि नहीं सर? एक मिनट सर, देखने दो सर। हाँ देख लो, सर वो सेकंड वाला बता दो मेरे एक बार। देख, एट क्यू पोजीशन पे, सेकंड वाला मतलब एट क्यू पोजीशन है ना, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, टी इक्वल्स टू जीरो पे कहां पे लोकेटेड है, टी पर, एनी टाइम टी पे कहां पे पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया, समझ गया? अरे समझ गया। तो जब ये क्यू पर पहुंचेगा तो वहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी को आपने VFT लिखा, मतलब फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल स्पीड, सॉरी, AFC का मतलब क्या है वहां पे, फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AFT का मतलब फाइनल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका अल्फा आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जब ये क्यू पे पहुंचा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल के कितनी हो गई, ओमेगा हो गई, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। बस वही लिखा मैंने वहां पे, तो इनिशियल कंडीशन के लिए वो कैलकुलेशन है और एक फाइनल कंडीशन के लिए। क्लियर हो गया अब कि नहीं? हाँ सर, समझ गया पूरा। ठीक है, अभी देख इसमें जो इक्वेशन हमने देखा था काइनेमेटिक्स वाली, मैं उसको लिख दूं यहाँ पे, पेज नंबर 3। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। देखो ये एक्सीलरेशन आपके कांस्टेंट हैं, है ना, दिस इज पेज नंबर 3। अब आप यहाँ पर अगर कैलकुलेशन देखते हो भाई, एट t इक्वल्स टू जीरो पे ये है, नाउ इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ एट टाइम t यहाँ पर की जो वैल्यूज थी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। समझ गए या नहीं? ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और ये फाइनल, t इक्वल्स टू जीरो पर जो वेलोसिटी होती है उसको हमेशा इनिशियल बोलते हैं, t इक्वल्स टू जीरो पे जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन, t इक्वल्स टू जीरो पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल्स टू जीरो पे जो एक्सीलरेशन है वो इनिशियल एक्सीलरेशन। समझ गए? तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मतलब एट टाइम t पर
जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी उसको आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? रिपीट कर दो सर। बेटा ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज किए ना हमने, काइनेमेटिक्स इक्वेशन v equals to u plus at वाली जो इक्वेशन होती उसी को यूज किए ना, समझ गया? और ये जो टेंजेंशियल स्पीड है, तो आप यहाँ पर जो टेंजेंशियल स्पीड है, दिस इज फाइनल टेंजेंशियल स्पीड मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज गिवन बाय हियर मैग्नीट्यूड ऑफ, वन मिनट आप सीधे सीधे लिख दो, ज्यादा लिखो, इक्वल्स टू इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इनटू टी। तो ये जो टेंजेंशियल स्पीड है इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड को। और जो दूसरा कैलकुलेशन है यहाँ पर, एक और कैलकुलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला, डेल्टा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी स्क्वायर। तो यहां से आप ये जो डिस्टेंस है आर्क है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो द आर्क पी क्यू या डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इनटू टी स्क्वायर। तो ये जो आर्क लेंथ है आप डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग टेंजेंशियल स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड तीसरा पॉइंट, आर्क लेंथ और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड होते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय आर या आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो जो आर्क लेंथ है डी या फिर पी क्यू, ये सीधे सीधे डेल्टा थीटा इंटू आर इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये कैलकुलेशन है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है, इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड ये है, जब ये घूमकर यहाँ पे पहुंचा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये है एंड फाइनल टेंजेंशियल स्पीड ये है। ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया। रिमेंबर वन थिंग, ये जो डी लिखा मैंने, ये डी डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? यहाँ पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, सोचो जरा। ये डिस्टेंस है बेटा, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये सीधा आता यहां से, बट ये सीधा नहीं है ना, ये आर्क है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखे हो, ये वाली पी क्यू आर्क या डी, ये डिस्टेंस की इक्वेशन है और यहाँ पे ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। और ये क्या है यहाँ पर, इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, समझ गए? तो ये जो डी है ना, ये डिस्टेंस है, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। तो दिस डी इज डिस्टेंस हियर, डिस्टेंस डी या आर्क लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जबकि एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, इस पे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लिखते हो तो ये एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे जो डी आपने लिखा है, ये जो कैलकुलेशन किया है, ये इसका कैलकुलेशन यहाँ पे, ये डिस्टेंस का कैलकुलेशन, नॉट द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? तो ये एक छोटा सा माइनर सा फर्क है यहाँ पे। क्लियर हो गया? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का। यस सर। हो गया लेकर? ये समझ गया कैलकुलेशंस, ये कैसे किए अपन ने, डायग्राम समझ गया पूरा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिया है, क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, है ना, क्या क्या हो सकता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसपे हमको अब ये सब कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। नाउ अगला पेज, पेज नंबर 4, स्क्रीन शॉट हो गया लेकर?
देखो दिस इज पेज नंबर 4 आएगा क्या कि 3 आएगा? 4 सर. दिस इज पेज नंबर 4. हां अभी इस पेज पे देखो, अभी एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पे. क्वेश्चन ये है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ, ठीक है, 5 मीटर एंड नाउ एट टी इक्वल्स टू 0 इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 4 रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है? 4 रेडियन पर सेकेंड. और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना दिया है? एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है. ठीक है, तो अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है. नाउ यहां पे फाइंड फर्स्ट एट t इक्वल्स टू 0 पे आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है. एंड दूसरा पार्ट का जो कैलकुलेशन, नाउ एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर, पहले आप निकाल लो एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ राउंड या फिर आर्क लेंथ आप निकाल रहे हो. नाउ आर्क लेंथ और डिस्टेंस, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड. समझ गए, सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर हुआ. तो ये कैलकुलेशंस हैं आपके. क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ गए या डाउट है क्वेश्चन पे? क्वेश्चन समझ गए, डाउट है? एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना. हेलो, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर एंड एट टी इक्वल्स टू 0 एंड एंगुलर वेलोसिटी कितनी उसकी 4 रेडियन पर सेकंड है, एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का है, तो टी इक्वल्स टू 0 पे आपको टेंजेंशियल स्पीड, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, फिर 10 सेकंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर्क लेंथ या फिर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ये कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन समझ गए? सर T0 पे इनिशियल वैल्यू ढूंढनी है. हाँ, T0 पे इनिशियल वैल्यू है, मतलब जहां से हम मोशन को देख रहे हैं, स्टार्ट जहां से हमने देखा है. ठीक है, तो देखो अभी इसका जो कैलकुलेशन है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन कर दूं, है ना. तो सबसे पहले तो सर्कुलर ट्रैक आप बना दो. ये आपने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, दिस इज द सर्कुलर पाथ. और इस सर्कुलर पाथ में अभी मान लो पार्टिकल यहां पर है एंड इट इज मूविंग इन अ, ठीक है, एंड नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पे मान लो ये पार्टिकल यहां पर लोकेटेड है. ठीक है, समझ गए कि नहीं? t इक्वल्स टू 0 पे, तो अब t इक्वल्स टू 0 पे बेटा इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, ये कितनी दी है यहां पे, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज ओमेगा नॉट. और इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, दिस इज अल्फा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो दी है यहाँ पे. ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करते हैं अपन. यहाँ पे क्या क्या निकालना था, सबसे पहले टेंजेंशियल स्पीड, दिस इज इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड ले लो आप. यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लो, व्हाट इज इनिशियल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, इनिशियल सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. समझ गए, तो ये कैलकुलेशन आपको देखने. अच्छा, ओमेगा नॉट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, व्हाट इज ओमेगा नॉट हियर, ओमेगा नॉट कितना यहाँ पे, ओमेगा नॉट इज 4
रेडियन पर सेकंड, समझ गए? तो चलो कैलकुलेट करते हैं अपन, ये कैसे निकालोगे इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये कैसे निकालोगे यहाँ पे? सो देयरफॉर इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी इज या एट t इक्वल्स टू जीरो पे, नाउ एट t इक्वल्स टू जीरो पे व्हाट इज इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट इनटू क्या लिखोगे r. व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना दिया है, रेडियस कितनी दी है, r इज इक्वल्स टू 5 मीटर, बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यही है ना. तो यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा नॉट कितना आपके पास में, इट इज 4 रेडियन पर सेकंड इनटू 5 मीटर, सो इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड. तो ये टेंजेंशियल स्पीड आ गई यहाँ पे. अब आप क्या निकाल लो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. तो इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आइदर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, ठीक है, या फिर आप इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कर दो. तो ये वैल्यू कितनी आपके पास, 4 स्क्वायर इंटू 5, तो ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए? एंड देन अब इनिशियल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिख दो. व्हाट इज इनिशियल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा, एंड अल्फा कितना है, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इंटू 5 मीटर, तो इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? तो ये t इक्वल्स टू 0 के कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, t इक्वल्स टू 0 के कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? देख लो, बहुत सिंपल है, रुका हुआ हूं मैं, देख लो कैलकुलेशन, देख लो अभी, ये समझ गए? हेलो, समझ गए इनको ये कैलकुलेशन? यस सर. कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है इस पे? ये t इक्वल्स टू 0 पे जो कैलकुलेशन किया, ठीक है, अब 10 सेकंड में हम बाकी के कैलकुलेशन करते हैं ना. तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. डन सर. नाउ दिस इज पेज नंबर 5. अब ये t इक्वल्स टू 0 के हो गए कैलकुलेशन, अब t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे हमको निकालना है. Now at t equals to 10 second, ठीक है, so this is the second part calculation. मान लो ये particle घूम के यहां तक आया, ये कब है यहां पे, t equals to 10 second पे यहां पे है, मतलब यहां से घूम कर ये इतना आ गया. तो जब ये यहां पे पहुंचा तो अब इसकी angular velocity हो गई यहां पे ओमेगा, फिर जो टेंजेंशियल स्पीड है ये इसकी फाइनल टेंजेंशियल स्पीड हो गई, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, एंड यहां पे ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है, दिस इज फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये यहां पे है ऐसा. तो अब ये कैलकुलेशन अपन देखते हैं, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ये हो गया यहाँ पे, दिस इज डेल्टा थीटा एंड दिस इज द आर्क पी क्यू, जिसको आपने किससे डिनोट कर दिया, ये डिस्टेंस डी, आर्क पी क्यू, ठीक है. तो अब ये कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं सेकंड पार्ट का. तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ओमेगा कैसे निकालोगे, ये कौन सा फार्मूला लगाओगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर. वैल्यू पुट कर दो, सो इट इज 4 प्लस 2 इनटू 10, व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर,
कितना आ गया 24 रेडियन पर सेकेंड। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लो, फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू आर, तो इट इज 24 इंटू 5 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड अब क्या निकालना आपको, फाइनल सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, फाइनल सेंट्रीपिटल एसिलरेशन या तो ओमेगा स्क्वायर आर लिखोगे या फाइनल टेंजेंशियल स्पीड डिवाइडेड बाय आर लिखोगे, तो सॉल्व करने पे ये कितना जाएगा 24 का स्क्वायर इनटू रेडियस कितनी है, रेडियस इज 5 मीटर, तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। ये यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू लिखकर सॉल्व कर देना, 24 का स्क्वायर इनटू 5, तो ये फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। एंड फाइनल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अगेन अल्फा आर, बट इट इज कांस्टेंट 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इनटू 5 मीटर, तो इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल सेंट्रीपिटल निकाल लेना कितना आएगा, कितना आ रहा बताओ जरा फाइनल सेंट्रीपिटल। अरे समझ गए कि नहीं, हेलो 2880 कितना 2880 ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ गए आप लोग, क्या क्या निकाल दिया आपने, ओमेगा निकल गया, वीटी निकल गया, एसी निकल गया, एटी, एटी तो कांस्टेंट है, पहले भी इतनी वैल्यू आई थी, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन देखो, रुका हुआ हूं मैं भाई, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन देखो, देख लिए, हेलो देख लिए क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे, अभी क्या क्या बचा, और डेल्टा थीटा बचा और आर्क लेंथ का कैलकुलेशन बचा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये मिटा देता हूं मैं, हाँ मिटा दो ना। यस सर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना है आपके पास में, दिस इज 4, 4 इंटू 10 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 गया 140, दिस इज 140 रेडियन, समझ गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 140 रेडियन आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं। और सिंस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा इनटू आर, अल्फा इज 2 इनटू 5 इक्वल्स टू 10 मीटर, तो जो आर्क लेंथ है आपकी पी क्यू आर्क लेंथ या डी, इट इज गिवन बाय इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड इनटू टी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। तो यहां पे जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो, इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड कितनी थी बता जल्दी, इनिशियल टेंजेंशियल स्पीड कितनी थी, कैलकुलेशन किए थे ना, ओमेगा नॉट इनटू आर, तो ये 4 5 जा कितना था, ये 20, तो ये आ गया तुम्हारा 20 इनटू 10 प्लस हाफ ऑफ इनटू 10 इनटू 10 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा, देखो यहाँ पे दिस इज 200 और ये कितना हो गया यहाँ पे 100, कितना आया बता जल्दी से, 500, so the answer is 700 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये कितने का हो रहा है, यहाँ पे 700 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। या फिर एक और तरीका आपके पास निकालने का, एंड वो जो डायरेक्ट तरीका है, सिंस डेल्टा थीटा किसके बराबर होता, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस,
तो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इनटू आर, एंड डेल्टा थीटा कितना है 140, और रेडियस कितनी है पाई, यहां पर से भी कैलकुलेशन करो तो 700 मीटर आ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन, देख लो अभी दोनों तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, सिर्फ कैलकुलेशन है। अरे समझ गए, हेलो समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। सर ये पेज नंबर 6 है ना? हाँ पेज नंबर 6 है, वन मिनट, दिस इज पेज नंबर 6। डन सर। हो गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब पेज नंबर 7 में एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है उसमें। Now this is page number 7. A particle is moving in a circular path if a particle is moving in a circular path with initial frequency 600 RPM, 600 RPM से ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, समझ गए? 600 RPM से, then find if angular retardation act on it is, if angular retardation act on it is 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 राउंड पर सेकेंड स्क्वायर, 2 राउंड पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड नंबर ऑफ राउंड मेड बाय इट बिफोर कम टू रेस्ट। ये क्वेश्चन है, ठीक है, find number of round made by it before come to rest, so this is the question here. Question samajh gaye, batao jaldi se, question samajh gaye kya? Ek particle circular path mein ghoom raha hai, kitni frequency se ghoom raha hai? 600 rpm se ghoom raha hai. Agar angular retardation us pe 2 round per second square ka lag raha hai to uski speed dheere dheere kam hote jayegi, to rukne ke pehle तक, मतलब जब रुक गया तब तक ये कितने राउंड घूम जाएगा ये आपको बताना है, समझ गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ गए? यस सर। यस सर। अच्छा एक राउंड में कितना डिस्टेंस घूमता पार्टिकल, एक राउंड में कितना डिस्टेंस घूमता है बताना जरा, क्या फार्मूला होता है? सर्कमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2πr ना। Yes, sir. एक राउंड में जो डिस्टेंस घूमता है दिस इज 2πr, एक राउंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2π या 360 डिग्री, तो इसको कैसे करोगे? अभी देखो यहाँ पे 600 rpm दिया हुआ है, ये है ना 600 rpm है, इसको चेंज कर दो आप तो जो सॉल्यूशन आएगा बेटा इसका, सबसे पहले देखो इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 600 RPM, it is 600 round per minute, तो it is 600 round divided by 60 second, 1060 क्या है? The answer is 10 round per second, बराबर है? अरे समझ गए? 10 round per second? Yes sir. अब क्या कर लो यहाँ पे?
अल्फा डैश कितना है? माइनस टू राउंड, माइनस साइन समझ गए कि नहीं? माइनस टू राउंड पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए क्यों? क्योंकि ये क्या है, एंगुलर रिटार्डेशन। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है भाई, ये रिटार्डेशन। अब कौन सी इक्वेशन यूज कर लो, आप कौन सी इक्वेशन यूज कर लो? अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू एफ नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा डैश इंटू टी स्क्वायर कर दो, तो टी वहां पे आपको नहीं पता, टी पता है क्या? ये यूज हो जाएगी क्या? ये यूज होगी क्या? नहीं। कौन सी इक्वेशन यूज होगी? एक और इक्वेशन अपन ने पढ़े थे, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा डैश इंटू एन, ये होगी। और एक फर्स्ट इक्वेशन होती है f इक्वल्स टू f नॉट प्लस अल्फा डैश इनटू t। या तो इस इक्वेशन से आप पहले t निकालो और t निकाल के यहां पुट करो तो आंसर आएगा, या फिर आप सीधे ये वाली इक्वेशन से सॉल्व कर दो। तो जब ये रुकेगा बिफोर कम टू रेस्ट मतलब फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? जीरो, आया ना? और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी है? इनिशियल वाली, जिसको कैलकुलेट करने पे आपने ये निकाल दिया है, ठीक है, एफ नॉट। सो दिस इज द एफ नॉट। तो ये किसके बराबर आएगा? सिंस फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? जीरो। तो अब आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो बेटा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा डैश इंटू एन। तो ये जीरो हो गया, ये है टेन, 10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डैश कितना है? माइनस 2 इनटू नंबर ऑफ राउंड। तो नंबर ऑफ राउंड इज 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25 राउंड। तो रुकने के पहले या रुकते तक ये कितने राउंड घूम जाएगा? 25 राउंड ये घूम लेगा, समझ गए? 25 राउंड, अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट?